Yes, you come literally to say. Yeah, please. हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग। हेलो, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फर्दर टॉपिक एंड यस्टरडे एज वी नो दैट ऑलरेडी वी हैड डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू शो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ वाटर एंड वी हैड लर्नड दैट when water decomposes by the action of electricity then it splits up into its two component elements, they are the hydrogen and oxygen. So we had seen on previous day, means yesterday, about this experiment, this decomposition reaction experimentally I had taught to all of you yesterday. Now we have to discuss about the decomposition reactions by light energy. Light energy के द्वारा भी decomposition reaction होता है. हमने बताया था कि decomposition reaction takes place by applying heat energy, electrical energy and light energy. About heat energy and electrical energy. Applying heat energy and electrical energy. There are so many decomposition reactions which takes place by applying heat energy and electrical energy, about which already we had discussed on previous days. Now we have to discuss about decomposition reactions which takes place by light energy. The light energy may be of sunlight or bulb light. So we have just discussed those decomposition reactions which are caused by electric energy or electricity. Now we have to describe some decomposition reactions which are brought about by light energy. Okay, first we have to know that when silver chloride is exposed to light, it decomposes to form silver metal and chlorine gas. Dekhiye, silver chloride ek chemical substance, chemical compound hai. यह व्हाइट कलर का केमिकल कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है. इसको जब हम सनलाइट में रख देते हैं, जैसा कि यहां ये जो है आपको ये प्रेजेंट इसमें सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में रखा हुआ है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ HClN2 AgNCl2. ठीक है, तो हम देखेंगे क्या कि लाइट के एक्शन से ये सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होता है सिल्वर कलर में, जो ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है, और क्लोरीन गैस जो येलो ग्रीन कलर का होता है इसमें ये डिकम्पोज कर दिया है ना, डिकम्पोज कर जाता है. सो इन दिस रिएक्शन द व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रेइश व्हाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल. द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज कॉज्ड बाय द लाइट एंड इट मे बी सनलाइट और बल्ब लाइट. एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, दिस रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पहले जो होता था, है ना, हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ही यूज करते थे, है ना, फोटो खिंचवाते थे, फॉर्म भरते थे, है ना, एग्जामिनेशन का. अब तो कलर फोटो चला है, अब मिलता है. वी कैन कैरी आउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन सिल्वर क्लोराइड, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं. कैसे, यहाँ दिया हुआ है. और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज किया जाता था. ये दूसरा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड वाला, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, है ना, पहले यूज किया जाता था. आज भी जहां ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है वहां यूज किया जाता है. तो इसमें देखिए क्या क्या करना है. अबाउट 2 grams ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, है ना, चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया जाता है जो व्हाइट कलर का होता है. एंड प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, है ना, आफ्टर सम टाइम वी विल फाइंड दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू, है ना, ग्रेइश व्हाइट कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल and chlorine gas is produced here. Silver bromide also behave, ये silver bromide जो है ये AgBr also behaves in the same way. इसी तरीके से behave करता है as silver bromide, है ना, with light energy. Therefore, when silver bromide is, जब silver bromide AgBr exposed to light, it decomposes to form silver metal and bromine vapor.
ब्रोमीन वेपर बनता है, सिल्वर मेटल बनता है, यानी सिल्वर मेटल ब्रोमीन वेपर बनता है। ये सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो कलर का, ठीक का हल्का येलो कलर का सॉलिड क्रिस्टल होता है। इसको जब लाइट में रखेंगे वही डीकंपोजिशन रिएक्शन यहां होगा, R2Ag सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन सिल्वर ग्रेइश व्हाइट कलर जैसा ऊपर बना था उस तरह से, और ब्रोमीन गैस रेड ब्राउन कलर में है ना होता है, वो गैस अलग हो जाएगा। इस तरह से डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, यानी 2AgBr सॉलिड लाइट डिफरेंट लाइट डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस 2Ag प्लस Br2, ये है ऊपर में है 2AgCl सॉलिड है ना, इन लाइट डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑफ AgCl 2Ag सॉलिड एंड ग्रेस व्हाइट एंड Cl2 ग्रीन ये Cl2 गैस येलो ग्रीन कलर गैस क्लोरीन गैस फॉर्म होता है। तो इस तरह से हमने देखा इन दिस रिएक्शन पेल येलो कलर ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड चेंजेस टू ग्रेइश व्हाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। सो द डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज कॉज्ड बाय लाइट, द लाइट मे बी सनलाइट, सनलाइट हो सकता है या बल्ब लाइट हो सकता है, पहले भी कह दिया गया। दिस रिएक्शन ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑल्सो यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इसको यूज किया जाता है। अब यूज ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन मेटलॉजिकल प्रोसेस में, जब हम कई धातुओं को उसके क्लोराइड और ऑक्साइड से अलग करना होता है, धातु के क्लोराइड और ऑक्साइड से शुद्ध धातु जब प्राप्त किया जाना होता है इंडस्ट्री में मेटलर्जिकल प्रोसेस से, ड्यूरिंग मेटलर्जिकल प्रोसेस दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूजफुल, दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अप्लाइड है ना। सो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाई इलेक्ट्रिसिटी है ना आर यूज टू एक्सट्रैक्ट सेवलर मेटल फ्रॉम दियर नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड लाइक क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड, मेटल के क्लोराइड्स और मेटल के ऑक्साइड से शुद्ध मेटल को पाने के लिए है ना आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करने पर होता है वो किया जाता है, उस विधि को यूज किया जाता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि को समझे। वेन द फ्यूज मोल्टेन मेटल क्लोराइड और मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब उससे होकर फ्यूज जब मोल्टेन क्लोराइड या मोल्टेन ऑक्साइड से है ना मेटल के मोल्टेन क्लोराइड एंड थ्रू मेटालिक मोल्टेन ऑक्साइड ये पास इलेक्ट्रिसिटी, देन मेटल इज प्रोड्यूस एट द कैथोड मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर मेटल प्रोड्यूस होता है। सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड से सोडियम गैस सोडियम मेटल सॉलिड मेटल अलग होता है, वेयर एज एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिनियम क्लोराइड, और पिघले हुए मोल्टेन एल्यूमिनियम क्लोराइड से मोल्टेन एल्यूमिनियम क्लोराइड से क्या मिलता है हमको सॉलिड एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, वो केमिकल रिएक्शन है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमारे शरीर में फूड का जो डाइजेशन होता है भोजन जो पचते हैं जो हम खाना खाते हैं वो पचता है। तो वेन वी ईट फूड्स लाइक व्हीट राइस पोटैटो एंड सो मेनी थिंग्स फूड आइटम्स देन द स्टार्च प्रेजेंट इन देम, उसमें जो स्टार्च है वो डिकम्पोज हो जाता है एंड टू गिव सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज इन द बॉडी एंड द प्रोटीन्स डिकम्पोज टू फॉर्म एमिनो एसिड। तो हमारे बॉडी के अंदर जो स्टार्च है भोजन वो डिकम्पोज हो जाता है और देता है सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स डिकम्पोज टू फॉर्म एमिनो एसिड्स एंड बाय दिस वे दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज फिनिश्ड। नाउ अब कुछ सिंपल प्रॉब्लम है इसको आप पढ़ेंगे समझेंगे, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है दिस थर्ड वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अबाउट विच वी विल डिस्कस टुमारो, फॉर टुडे आई थिंक दैट दिस मच इज एनफ फॉर यू। ओके थैंक यू सो मच।